नमस्कार दोस्तों, ICSM YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं जिनका हम बहुत यूज करते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो फॉर्मूले हैं आपके सम, समीफ, काउंट, काउंटिफ और एसक्यूआरटी। ये फॉर्मूले हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एक हम कोई भी एक टेबल हम बना लेंगे, जैसा कि मैंने ये यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है। और ये जैसे कि आपने यहाँ पे सीरियल नंबर फिलअप किया हुआ है और इसके बाद में नेम, कैंडिडेट नेम डाला, नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम और उसका अमाउंट डाला हुआ है। तो चलिए, अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा पूरा मंथ का डेटा है। मैंने यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट की सेल की है वहां पर उस व्यक्ति को जिसको हमने सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट का नंबर है और कौन सा प्रोडक्ट हमने बेचा और उसका अमाउंट कितना है। तो ये हमने एक मंथली रिपोर्ट इस तरीके से बनाया हुआ है। आपको इन फॉर्मूले को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है इसके लिए, तो मैंने एक इस तरीके से एक छोटा सा डेटा बना के रखा हुआ है अपने पास। आप भी एक इस तरीके से कोई भी डेटा बना लें या कोई भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम सम यानी कि इसमें टोटल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए फॉर्मूला पुट अप करते हैं यहाँ पे इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद ये यहाँ पर आप देखेंगे नंबर वन कॉमा नंबर टू, इस तरीके से आप इसे पुट अप करते चलेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि अगर मुझे देखना है कि इस मंथ में मेरी कितनी टोटल, मेरे पास कितना अमाउंट आया हुआ है, तो हमारी ये फर्स्ट रेंज ये होती है और हम इसे इसी तरीके से लास्ट तक वैल्यू ले सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे E2 आपका जो ये E कॉलम है और 2 आपकी सबसे पहली रो है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और नेक्स्ट E11 देखेंगे आपकी लास्ट। तो आप इसे लिख भी सकते हैं या माउस की हेल्प से आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरी टोटल अमाउंट आई है मंथ की, कि कितना पैसा हमने टोटल अर्न किया हुआ है मंथ में। अगर आप कोई भी इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपने डेटा केवल 80 रुपए किया हुआ है, अगर आप इसका प्राइस बढ़ाएंगे और जब एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसमें अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये था आपका सम का फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं। इसी प्रकार से सम इफ ये कंडीशन लग जाती है। टोटल तो निकालते ही हैं बट हम इसमें कंडीशन के साथ निकालते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे इसे, पहले हम यहाँ पर इक्वल टू सम इफ फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और इसके बाद हम सबसे पहले रेंज लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट की हम कंप्लीट रेंज ले लेंगे पहले। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया कि मुझे यहाँ पर किस प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो मैंने ये देखना है कि हमने इस मंथ के अंदर मोबाइल कवर कितने सेल आउट किए हैं और कितने रुपए के किए हैं मतलब। तो हम इसके लिए सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आप पूरी लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल कर सकते हैं। सम में ऐसा नहीं होता, सम में वो पूरी कंप्लीटली ही टोटल करता है, बट सम इफ में आप कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ से वो पूरी रेंज ले ली, इसके बाद कॉमा डाला, क्राइटेरिया यानी कि मैंने बोला कि मोबाइल कवर का मुझे देखना है कि मैंने इस मंथ में मोबाइल कवर कितने रुपए के सेल आउट किए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इसकी अमाउंट, अब सम रेंज बोलता है ये, तो आप यहाँ से इसकी टोटल अमाउंट ले लेंगे और अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप जब एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आपने देखा कि 1000 रुपए के आपने मोबाइल कवर सेल आउट किए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मोबाइल कवर एक हमारे यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मोबाइल कवर नहीं है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट मैन्युअली कर लेते हैं क्योंकि एक ये छोटी सी लिस्ट है, बाकी बड़ी होती है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको जज कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे 550 का है आपका यहाँ पर और यहाँ पर 450 का है, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पर जो आया है वो ठीक आया है मोबाइल कवर का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काउंट, कि मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट
की जो सेलिंग की है वो कितने प्रोडक्ट मैंने अब तक यहाँ पर बेचे हैं। तो काउंट में आप किसी भी प्रोडक्ट की काउंटिंग कर सकते हैं। तो इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे आप और ब्रेकेट को ओपन करेंगे और यहां से फर्स्ट रेंज से लेकर लास्ट रेंज तक आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रेकेट बंद करेंगे और यहां पर एंटर करेंगे। आपने देखा कि 10 आपने प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं, जैसा कि हम यहां पे सीरियल नंबर से भी देख पा रहे हैं। चलिए अब काउंट इफ क्या होता है, अब हम यहां पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे वही ब्रेकेट ओपन करके। रेंज सबसे पहले हमने यहां पे रेंज ले ली कॉमा, अब ये क्राइटेरिया मांग रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैंने बोला कि मोबाइल कवर मुझे देखने हैं कि इस प्रोडक्ट में मैंने जो मोबाइल कवर है वो कितने हैं इसमें पूरे टोटल रेंज में। ब्रेकेट बंद किया, एंटर किया तो यहाँ पे टू टाइम आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इस टेबल के अंदर देखेंगे आप एक बार यहाँ है दूसरी बार आपका यहाँ है, तो इसलिए दो आ गया। अगर मैं यहाँ पर भी इसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर भी मोबाइल कवर कर देता हूं इसको भी कवर। चलिए अब मैं देखूंगा कि यहां पर या हम इसे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, हम यहां से इसको यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे जब ये मोबाइल कवर यहां पर 1, 2 और ये 3, अब यहां पे हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक 3 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 बार आया हुआ है, तो वो इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप काउंट कर सकते हैं और काउंट में टोटल काउंट कर पाएंगे कि आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितने काउंटिंग है। बट हम काउंट इफ के अंदर अपना सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट का काउंट करना चाहते हैं, तो केवल उस प्रोडक्ट में से वही प्रोडक्ट टोटल काउंट होगा जिसको हमने क्राइटेरिया माना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं SQRT। ये दोस्तों यूज होता है मोस्टली स्क्वायर के लिए। अगर हम इसको निकालने के लिए पहले हमें यहां पर कुछ भी एक रैंडमली लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहां पर 81 लिख दिया। अब हमने देखना है कि किसका स्क्वायर होता है ये, तो उसको फाइंड आउट करता है ये। हमने यहां पर SQRT का फॉर्मूला लगाया, ब्रेकेट ओपन किया और हमने यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। ब्रेकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं तो देखते हैं कि 9 का स्क्वायर ठीक है 81। तो दोस्तों ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट वीडियो में 25 फॉर्मूले ऐसे बनाए हैं जो डाटा एंट्री में यूज होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।